हाय गाइस, आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर ट्रिक्स ऑफ मल्टीपल लेके मैं आया हूँ, जिसमें आपको नए नए ट्रिक्स बताया जाएगा जो आपको कैलकुलेशन करने में खास करके काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और एग्जामिनेशन में बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आप छोटे करके और बहुत ही कम समय में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक ही काम करें, अभी से लेकर जब तक मैं रूल्स बताऊंगा पूरा का पूरा वीडियो देखें। और मैं हम लोग आप लोग के लिए सबसे पहला रूल लेकर आ रहा हूं मल्टीपल। मल्टीपल का जो सबसे फर्स्ट रूल है, रूल नंबर वन, तो सिर्फ आप देखो मल्टीपल बाय 199.99. यानी मैं स्पेशल 9 का मल्टीपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्पेशल 9 से किसी भी संख्या में अगर आप मल्टीपल करोगे तो आप ये देखो कि कुछ ही सेकंड में आप उसको मल्टीपल करके आंसर लिख सकते हो। जैसे आप एक नंबर लो कोई भी 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 19 करो। 19 करने से बहुत ही इजी वे में है, कोई बंदा क्या करेगा उसको 9 का मल्टीपल भी कर देगा। लेकिन अगर आप 99 करोगे तो यहाँ पे बच्चा को क्या करेगा, ज्यादा परेशानी होगा कि 99 से करने के मल्टीपल अगर करोगे, पहले 9 से करोगे फिर 9 से करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा। इसके टाइम से बचने के लिए आप सिंपल क्या करो, आप ये देख रहे हो हमको स्पेशल 9 का मल्टीपल सीख रहे हैं, 99 है, कुछ नहीं कर रहे, कितना 9 है, 99, आप इसमें 00 दे दो। कहने का मतलब है जितना 9 से अगर आप मल्टीपल करोगे उतना 0 आपको नंबर में बैठा डालना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेप और अपनाना है, जिस संख्या में आपने मल्टीपल किया है उस संख्या को नीचे में माइनस कर दो। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 में से 5 घटाओगे 5 होगा, यहाँ 9 होगा 9 में से 4 घटाओगे 5 होगा, यहाँ 4 में से 3 करोगे 1 होगा, यहाँ 3, 4 हो जाएगा, यानी 3, 4, 1, 5 यही आपका आंसर हो गया बाबू। इससे क्या होगा कि अब इसी को नंबर को अगर मल्टीपल आप जनरल मेथड से करते तो बहुत लंबा समय लगता, अब क्या हो गया आपका शॉर्ट हो गया। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो 4, 8, 5, 6, 9। अब सपोज करो इसमें आप 999 से मल्टीपल कर रहे हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट देखोगे बैंक SSC रेलवे में बहुत सारा मल्टीपल का केस आपके पास आएगा, तो उस समय में आपको थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है। आप 4, 8, 5, 6, 9 कितना 9 से आप मल्टीपल कर रहे हो, 999, कुछ नहीं करना है 000 डाल देना है। किस संख्या में मल्टीपल कर रहे हो उस संख्या को आप क्या करना है, माइनस कर दो। और देखो माइनस करके क्या होता है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, यही आपका आंसर्स हो गया। तो सबसे पहला रूल में आपने देखा कि अगर मैं स्पेशल 9 का मल्टीपल करूं कुछ नहीं करना है, जितना 9 से मल्टीपल करोगे उतना 0 डालो, जिस संख्या में गुना कर रहे हो उस संख्या को बस घटा दो। इस तरह से अगर जितना भी आप 9 से गुना करना चाहो, चाहे 39 हो, 49 हो, 109 हो या 109 हो, जितना 9 से मल्टीपल करना उतना 0 दे दो और जिस संख्या को गुना करना उसको घटा दो। घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा और इस तरह से आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। चलो मैं दूसरा रूल ट्राई करता हूं आप लोग के लिए। अब देखो सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, मल्टीपल बाय या एंडिंग सेकेंड रूल लेके चलते हैं, एनी नंबर्स एंडिंग बाय 5, 5 से एंडिंग हो, डिफरेंट जो हो 10 हो, क्या करना है, एंडिंग बाय 5 हो और दोनों के बीच में 10 का अंतर हो। जैसे एग्जांपल में आप देखो 7, 5 मल्टीप्लाई 8, 5 करोगे तो आप क्या देख रहे हो, एंडिंग बाय दोनों नंबर 5 हो रहा है
और दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। अगर 10 का डिफरेंस है तो आप इसको मल्टीपल करोगे कितनों, अगर आप फास्ट करोगे बाबू तो कम से कम आपको लगेंगे 20 सेकेंड, लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो आपका 5 सेकेंड के अंदर में मल्टीपल हो जाएगा। और ये रूल आपके एग्जामिनेशन में चाहे आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ोगे मल्टीपल आएगा ही, और ये रूल आपके लिए कामगार होगा। जैसे आप देखो कैसे करना है, पहले 5 × 5 करना है, 25 होता है, लेकिन भूल जाओ 5 × 5 = 25 होता है, लेकिन 25 ना लिख करके इसकी जगह हम 75 लिखेंगे। अब कहोगे ये एक ही जगह लिखेंगे, नहीं, जितना भी ये 10 का डिफरेंस होगा और एंडिंग 5 होगा, कोई भी नंबर हो पहले 75 लिखेंगे। कैसे, तो 5 × 5 = 25 नहीं, इसको कैंसिल, उसके स्थान पे हमको 75 लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, ये 75 को, ये 5 और ये 5 को कैंसिल कर दो। अब बचा आपके पास कितना, 7 बचा, इधर 8 बचा, यानी दोनों 5 को छोड़ने के बाद इकाई अंक वाला को जो रेस्ट नंबर बचता है ना, जो बड़का है, मतलब इधर हो या उधर हो, जिधर बड़ा नंबर है उसमें 1 जोड़ो। अब बताओ 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो कोई भी कहेगा 8 बड़ा है, तो 8 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 9, और उसी 9 से छोटा संख्या में गुना कर दोगे, छोटा नंबर कितना है 7, गुना करोगे 9 × 7 = 63, इसका मतलब है 63 आप यहाँ डाल दो, आंसर कितना हो गया 63 × 75, यानी इसको मल्टीपल करोगे 63 × 75। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल आ गया 105 × 115। अब देखो 3 डिजिट में नंबर है, अगर इसको मल्टीपल करोगे लगभग आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो आपका मल्टीपल विद इन 5 सेकंड हो जाएगा। वो कैसे, चलो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और हाँ, अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखोगे तो आप जरूर अच्छा से अच्छा ट्रिक सीखोगे, और आगे भी अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो और लाइक कर लेते हो या शेयर कर दो कोई बंदे के पास जिसको लगता है कि नहीं उनके पास भी ये रूल पहुंचना चाहिए, तो उनके लिए कम से कम शेयर कर दो। अपने लेने से कभी कभी हम दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो उनके लिए शेयर कर दो, लेकिन अपने लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलो मैं इसको देखता हूँ कैसे बनेगा। तो 5 × 5 = 25 होता है, लेकिन ना 25 ना, उसके जगह पे हम क्या डालेंगे 75 डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, 11 बचा इधर और इधर 10 बचा है, तो आपको मैंने बताया है कि बड़ा नंबर में 1 जोड़ना है, छोटा में गुना करना है, तो बड़ा नंबर आपको भी दिख रहा है 11 है, 1 जोड़ो कितना हो गया 12, और 12 गुना 10 करोगे 120, 120 यहाँ डाल दो, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा रूल था, एंडिंग बाय 5 डिफरेंट 10। चलो मैं एक और रूल लेके आपको एक रूल के और के पास चलते हैं और देखते हैं उसका क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो ये भी है आपका नंबर्स एंडिंग बाय 5, और बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर देना है 20, जहां पे मैंने 10 का डिफरेंस दिया वहां पे 20 कर देना है। अब कितना बंदा कहता है कि वही रूल तो काम नहीं करेगा, लेकिन ना, अगर वो रूल काम करोगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव क्या है, 75 × 95 अगर 95 करते हैं तो देखो एंडिंग 5 हो रहा है और दोनों के बीच में देखो 20 का डिफरेंस हो रहा है, तो आपको करना है क्या, 5 × 5 कितना होता है 25। अगर ये 5 और ये 5 को मल्टीपल करोगे तो 25, तो क्या 25 लिखेंगे, बिल्कुल 25 ही लिखना है।
इसमें भूल से अगर 75 लिखोगे तो फिर पता चलेगा कि हम दूसरे के यहां चले गए, तो अपने यहां रहना है। 5 मल्टीपल 5 कितना 25, तो 25 ही डालना है। अब देखो 5 को छोड़ करके कितना बचा 9 और इसमें कितना बचा 7, तो जो इधर 7 है उधर 9 है, 12 के पास। हम लोग हमेशा बड़े आदमी के पास जाते हैं, तो आपको भी बड़े आदमी के पास ही जाना है और उसमें थोड़ा सा क्या करना है, एक प्लस करना है। एक प्लस क्या करना है, तो बड़ा क्या है 9, उसमें एक प्लस करो 10 और छोटा से गुना करो कितना हुआ 70। ये काम तो पहले भी करते थे, लेकिन क्या होता है ना जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें एक वो काम खास करते हैं, तभी आपका पहचान बनेगा। तो एक वो काम क्या करेंगे, खास बड़का में एक जोड़ो छोटका से गुना कर दो 70, एक लास्ट में प्लस कर देना है। एक प्लस करोगे तो कितना हो गया 71, मतलब आपका 71/25 क्या हो गया आंसर हो गया। यानी अगर आपका 20 का डिफरेंस है तो क्या करोगे, 5 × 5 = 25 है, तो बाबू 25 लिखो, उसके बाद 5 को छोड़कर जितना नंबर बचा है बड़ा नंबर में एक जोड़ो छोटका में गुना करो, लास्ट में एक नया क्या करना है +1 करके उत्तर लिख देना है। चलो मैं एक और डिफरेंस 25 का एग्जांपल, यानी 20 का डिफरेंस एग्जांपल देता हूँ। 105 ले लो, 125 ले लो, ये भी उसी रूल पे होगा, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, बस डिफरेंस 20 होना चाहिए, एंडिंग 5 होना चाहिए। देख लो 5 × 5 करोगे 25 लिखो, उसके बाद क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसमें एक जोड़ो, क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर 10 है कि 12 है, तो 12 है, तो क्या करोगे एक जोड़ के 13, और 13 × 10 कर दो 130, लेकिन एक प्लस करना है 31, तो यानी 131/25 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में आपको मैंने 3 रूल्स पढ़ाया है, स्पेशल मल्टीपल बाय 9, 5 एंडिंग और 10 का डिफरेंस, दूसरा रूल 20 का डिफरेंस। अगर ये तीनों रूल अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको नए नए ट्रिक्स मैथमेटिक्स रीजनिंग ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ से आपको मिलते रहेगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।